ठिकाना भाई जगता जी साहिब गुनियाना मंडी बठिंडा विखे एक धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई कीर्तनी जत्थे भी पुजे जिन्होंने कीर्तन कर आईया संगतां नूं गुरु चरणा नाल जोड़िया। इस मौके पर संत बाबा कान सिंह जी, संत इंद्रजीत सिंह, संत जगजीत सिंह, संत रणजीत सिंह, भाई गुरमुख सिंह, भाई बलबीर सिंह, भाई लखविंदर सिंह, भाई चार सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी ने विशेष तौर पर पहुँच के आईया संगतां नूं महाराज जी की बाणी नाल जोड़िया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। निरंकारी जोत जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, दसां सतगुरां दी पवित्र आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे नाल प्यार करन वालियां समूह गुर सिख संगतां नूं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं इह जानकारी वी है कि अज 31 दिसंबर 2012 दी रात आरंभ हुई है ते समाप्त हो रही है। इस 31 दिसंबर रात नूं टिकाणा भाई जगता साहिब जी विखे महान परोपकारी सेवा दी मूरत अमृत वेले जाग के परमात्मा नाल सुरती जोड़न वाले नाम बाणी दे रसीए महंत बाबा आसा सिंह जी दी भी पावन याद है। 39वीं बरसी दा समागम मनाया जा रहा है। उस संबंध विच अज रात नूं महान गुरबाणी दा कीर्तन दरबार है। गुरबाणी दे शब्दां दा गायन हो रहा है जिस विच भाई गुरमुख सिंह जी दा कीर्तनी जथा तख्त दमदमा साहिब साबो की तलवंडी तों पहुंच रहा है। भाई चतर सिंह जी जलंधर वागे अते भाई लखविंदर सिंह जी और बठिंडा वाले पहुंच रहे हैं। भाई बलबीर सिंह जी मुक्तसर तो कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे, गुरमत वख्यान होणगे। आप संगतां गुरबाणी का कीर्तन सुन के परमात्मा नाल चित जोड़ो तां के गुरबाणी का कीर्तन सुनदिया ये साल संपूर्ण होवे ते नवें 2013 दा आगमन जो है वो शुभ होवे। गुरु पातशाह अगे अरदास करनी है कि हे पारम परमेश्वर जीओ, असीं भुलनहार जीव हाँ, पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ, आ गए मार्ग पावै। ते परमात्मा दा बिरद है, बख्शनहार है, शरण आया नूं बख्श के अपने चरणी ला लैंदा है। सो गुरु महाराज कृपा करे, गुरपुर है चरणी लाया, हर संग सहाई पाया, फिर ऐसी अवस्था बन जाती है जहां जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। तो साड़ा फर्ज है हर गुण गावो सदा सुभाई, सहत प्रेम दे सदीव काल पारम परमेश्वर दे गुणा दा गायन करिए। सो भाई कन्हैया साहब जी तो बाद बाबा सेवा राम जी, बाबा अडन साहब जी, बाबा भला राम जी, बाबा जगता साहब जी होए जिन्होंने सब जीवां च गोबिंद रूप जान के
ते सेवा कीती सब्जियां दी प्रसन्नता लई निजात हलाल खोरां नूं पाले विच ठहरदियां वेख करके अंदर दरबार विच स्थान दिता बिस्तरे दिते भोजन छकाया ते जान लग्या बिस्तरे भी नाल दिते ऐसा अपने भावना करन वाले बाबा जगता साहिब जी दा 202 साल यग समागम अते महान तपस्वी महंत बाबा आसा सिंह जी जिन्हां दे नाम ते भाई आसा सिंह गलज कालज चल रहा है उन्हां दी 39वीं मिठी याद अते महान विद्या दे दानी परोपकारी जिन्हां ने चीफ खालसा दीवान दे नाल मिल के सर्व हिंद विद्यक कानफ्रेंसां भी करवाईयां ते इस दा सदका अनेकां विद्या दे केंद्र जिवें के भाई आसा सिंह गलज कालज गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल बठिंडा अते मलोट मंडी छापियां वाली पॉलीटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए उते अभोर विखे होम्योपैथिक कॉलेज इस अभोर विखे होम्योपैथिक कॉलेज दे नाल रेडिएंट वी कॉलेज अरंभता हुई है इंजीनियरिंग कॉलेज दी उपरंत अनेकां होर विद्या दे अदारे चलाए अनेकां नगरां विच गुरुद्वारा साहिब स्थापित कीते ते भाई कन्हैया सेवा मिशन लंडन विखे अमेरिका विखे भी बना के भाई कन्हैया साहिब जी दी संदृष्टि सेवा मिशन नूं बहुत ही प्रचारिया उन्हां दी पावन 5वीं बरसी दा समागम भी 13, 14, 15 जनवरी 2013 विच बड़े उच्च पद्धर ते समागम मनाया जा रहा है तेरे पिछो तानू लोकी खा जाणगे होर लुट लुट के खा जाणगे इस कारण तुझ दो जग दी इस वास्ते तू जरूर जा करके दोजकां दी अग विच पैणा करेगा कौन काज तेरे दब आवे दस उस वेले तन तेरे किसे काम आएगा ए दौलत तेरे किसे काम आएगी पर दोजक मैं जब बिल लावे जदों जाकर के तू दोजकां दी अगवे सड़ेगा विरलाप करेगा कुरलाउणा करेगा रोना करेगा तेरी कोई पुकार नहीं सुनेगा तेरे कोई नेड़े भी नहीं होएगा जब तन देवे प्राण लिया क्योंकि जदों तेरे शरीर तो तेरे प्राण पंखेरू उड़ जाणगे तेरे प्राण निकल जाणगे पूरब नर लै दरब समहारे और फिर जेडे तेरे मगर बंदे ने ना सारा तन संभाल लेणगे कहने चंगा होया मर गया दफा होया है पहलो मरना चाहिदा सी ओए कहणगे चंगा होया मर गया है दफन करे तुझको पश्चात और फिर तेनू उसे वेले पहलो ता तन वंडणगे पहलो सारा तन वंडणगे हिस्से करणगे तन दे ते फिर उस तो बाद जा करके तेनु दबणगे जमीन दे अंदर तू प्यार सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मनोरथ मेरा
संगतां ने पते का जवाब दिता है, उन्हां दी हाजरी लगी है। जिन्हां ने अजे फतेह नहीं बुलाई फिर बुला लो, तुहाडी भी हाजरी लग जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। पता लग्या है तुहाडी आवाज तो सुन के कि तुसीं सारे ही गुरु दरबार च हाजिर हो। आओ बिरतियां जोड़ो। गुरबाणी का एक पवित्र फरमान है। गुरबाणी ने उस मनुख नू शाबाश दिती है, धन धन आख्या है, जिस मनुख ने शरीर दे रसां कसां नू त्याग के अपनी आत्मा दे अंदर नाम दा रस प्राप्त किया। आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान। जिन्हां ने अपनी आत्मा नू परमात्मा दे नाम सिमरन चलीन कीता है, उन्हां दी आत्मा किसी आगाध रस विच स्वाद विच मगन रहिंदी है। ओह बड़भागी जीव दिसदा इस तरह है कि वह संसारिक कार विहार कर रहा है, पर वह मनुख परमात्मा के चरणों नाल जुड़िया हो जाता है। मान साहब जी का जीवन सुनांदिया इस दे विच एक बारी भी नहीं जनाया कि मैं सेवा करता रहा। हालांकि इन महापुरखों ने सेवा की भी कोई हद होंदी है, बहुत सेवा। अज कल ना कोई नहीं सेवा करता ते ना ही उन्हें किसी का सिमरन है जिन्ना उन्हों का सी। जो सेवा संत बाबा कान सिंह ने की नहीं कोई कर सकता। मुश्किल चल के भी पोह के महीने च कई बार वह टाइम के बाले पाबंद सन, एक डेढ़ बजे उठ के बिस्तरा अपना इकट्ठा कर लेना, मंज का मंजा होना। ते उन्हां दे साथियों ने पुछा तुसीं बिस्तरा इकट्ठा कर दिंदे हो, कहिंदे मन दा की पता फिर आके सौं जा। ऐसे उन्हां दे विचार सन। जे 5 मिंट भी लेट हो गए तां ओह कुंडी अगों ला लैंदे सन ते संजी महाराज बाहर ही सफ विछा के उत्थे सौं जांदे सन। खुशियां